नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल शेयर विद अरूप में। प्ले स्टोर में एक गेम है जिसका नाम है सेलोमन भाई। सेलोमन भाई, हाँ मुँह टेरे मेरे हो जाता है इसको ये नाम बोलते हुए, लेकिन हाँ यही नाम है सेलोमन भाई। ये गेम काफ़ी मस्त गेम है, अभी थोड़ी देर पहले मैं खेल के आ रहा हूँ। इसको बैन कर दिया गया है लेकिन मैं खेल के आया हूँ इसको, फिर भी तो मज़ा आ गया गेम खेल के। लेकिन इस गेम में काफ़ी सारी दिक्कत है जिसको लेकर जो है अब परेशानियाँ सामने आ रही है। तो फिलहाल जो है इस गेम के ऊपर अदालत ने अपनी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। तो अब पूरा मामला क्या है आपको मैं समझाता हूँ। दरअसल बात यह है कि प्ले स्टोर में एक गेम है जिसका नाम है सेलोमन भाई, और इस गेम को बनाया है पुणे की एक कंपनी जिसका नाम है पैरोडी स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी ने इस गेम को बनाया है, लेकिन अब सलमान खान ने इस कंपनी के ऊपर केस ठोक दिया है अदालत में। केस ठोकने की मुख्य वजह यह है कि इस गेम को जब आप प्ले करेंगे तो आपको इसमें देखने को मिलेगा कि इसमें जो है एक ऐश नाम का ड्रिंक दिखाया जाता है, और ऐश का मतलब तो आप समझते हैं कि ऐश और सलमान, मतलब इन दोनों का जो हिस्ट्री है वो आप अगर सलमान खान के रिलेशनशिप अगर स्टेटस को आप चेक करेंगे इनके हिस्ट्री को, तो आपको पता चल जाएगा कि ऐश के साथ सलमान का क्या रिलेशन था। इसके साथ ही सलमान खान के ऊपर जितने भी केस चल रहे हैं, जैसे कि हिट एंड रन केस, और उसके बाद जो है काले हिरन को उन्होंने किया था ना, वो सब तो याद ही होगा आपको। तो सलमान खान के ऊपर कई सारे केस चल रहे हैं, सड़क पे आदमी के ऊपर गाड़ी चलाने का या फिर जो है काले हिरण को मारने का, इस तरह के केस चल रहे हैं। तो इन सब जो है मामले हैं, ये सब चीज़ जो है इस गेम में दिखाया गया है। तो आप अगर गेम को प्ले करेंगे तो सबसे पहले आपको जो है ऐश नाम का ड्रिंक दिखाया जाएगा, उसके बाद जो है आप काले हिरण को उड़ाते हैं, उसके बाद गाड़ी चलाते हुए जो है इंसान जैसे दिखते हुए जो है कुछ एलियन टाइप के आएंगे तो उसको भी आप जो है उड़ा सकते हैं। और इस गेम का मकसद भी यही है, मतलब गेम का स्टोरी भी यही कहता है कि आपको उन लोगों को मार के चलना है। तो इसी बात पर जो है सलमान खान बिल्कुल नाराज हो गया, और इसमें जो है व्यक्ति दिखाया जा रहा है वह बिल्कुल सलमान खान जैसे ही दिखते हैं। तो अब सलमान खान ने अपनी लीगल टीम द्वारा इस कंपनी के ऊपर एक्शन ले लिया है। तो इस पर जो है अदालत ने अभी सुनवाई करते हुए ये कहा है कि इस गेम को पूरी तरह से जो है फिलहाल रोक लगा दिया गया है, और अदालत ने ये आदेश भी दिया है कि इस गेम को तुरंत प्ले स्टोर और भी जो अन्य ऑनलाइन जो है प्लेटफॉर्म है उससे भी जो है इस गेम को तुरंत हटा दिया जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस गेम के लिए सलमान खान से किसी भी तरह का जो है परमिशन नहीं लिया गया था, और सलमान खान ने भी इस गेम के लिए किसी भी तरह का इजाज़त नहीं दिया गया था। ये गेम बिल्कुल सलमान खान की ज़िंदगी से रिलेटेड गेम है, और ये गेम सलमान खान की जो है राइट टू प्राइवेसी का जो है उल्लंघन कर रहा है बुरी तरह से। और कंपनी को कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि कंपनी इस गेम को फिलहाल जो है लॉन्च नहीं कर सकती, रीलॉन्च भी नहीं कर सकती, और इसको रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकती। फिलहाल जो है इस गेम का जो है रेटिंग है, अगर आप प्ले स्टोर में जाकर चेक करें तो 4.7 इसकी रेटिंग है, और जो है इसको 10,000 लोगों ने अभी तक जो है डाउनलोड किए हैं अपने फ़ोन पर। तो फिलहाल इस पूरे मामले में कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 20 दिसंबर रखी है, और कोर्ट ने ये कंपनी के डायरेक्टर को साफ साफ कहा है कि कंपनी ने ये पूरा गेम सलमान खान की पॉपुलैरिटी को देखते हुए बनाया है, और कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके इसलिए उन्होंने ये गेम बनाया है। तो अब देखते हैं कि कंपनी का इस पर जो है क्या जवाब आता है। कंपनी का फिलहाल जो है कोई जवाब नहीं आया है। तो आगे अगर कोई भी जवाब आता है, अपडेट आता है इस मामले में, तो मैं आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपका इस मामले में क्या राय है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।